Hello friends and welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss calendar. Calendar being one of the most important chapters of your reasoning part. ये examination point of view से भी काफी important है. आप चाहे campus placement की बात करिए, चाहे आप किसी government exam जैसे for example SSC हो गया, SSC में CPO, CHSL या फिर अपने पास SSC CGL भी हो गया. उसके अलावा आपके पास जो DMRC के paper होते हैं, तो इस तरह के कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें आपके मतलब रीजनिंग चैप्टर इन्वॉल्व है, तो वहां पे कैलेंडर के आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट रहती है. एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी एंड ऑलमोस्ट 100% स्कोरिंग. तो लेट अस स्टार्ट विद द मिस बेसिक थ्योरी पार्ट फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड विद न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. तो कैलेंडर के लिए सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज अ नॉर्मल ईयर. पहले समझते हैं नॉर्मल ईयर क्या होता है. जब हम बात करेंगे एक नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में होता है अपने पास 365 डेज, यानी कि 365 दिन. 365 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल हैव 52 वीक्स, यानी कि 52 हफ्ते होते हैं प्लस 1 एडिशनल डे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है. देखिए हफ्तों की जो स्पेशलिटी है अभी उसको डिस्कस करते हैं. एक बार एक थ्योरी और लिख दूं मैं, उसके बाद बताता हूँ वीक्स के बारे में क्या खास बात होती है. तो एक नॉर्मल ईयर का क्या मतलब होता है कि उसमें 365 दिन होते हैं, यानी 365 डेज, जिसमें 52 वीक्स होते हैं और एक दिन होता है एडिशनल. इसमें जो फरवरी का महीना होता है ये होता है अपने पास 28 डेज का. द मंथ ऑफ फरवरी विल हैव ओनली 28 डेज. तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अब हम बात करते हैं अ लीप ईयर की. लीप ईयर यानी हिंदी में जिसे कहते हैं हम अधिवर्ष. तो लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में हमारे पास कितना होता है, वी हैव 366 डेज, यानी 366 दिन होते हैं. 366 दिन का मतलब हुआ कि वी हैव 52 वीक्स जैसे ऊपर देखा था हमने, प्लस इंस्टेड ऑफ हैविंग वन डे हियर वी विल हैव टू एडिशनल डे, यानी कि दो दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा. इसी में जो आपका फरवरी होता है, फरवरी विल बी ऑफ 29 डेज एंड नॉट 28 डेज एनी मोर. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो लेट मी नाउ गो थ्रू दीज बेसिक पॉइंट्स. देखिए वीक का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे कि वीक का सिग्निफिकेंस क्या होता है. अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि टुडे इट इज थर्सडे, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि आज थर्सडे है, तो आफ्टर वन वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद, देखिए ये बहुत जरूरी है, हिंदी में जैसा बोल रहे हैं वैसा समझिए. आप बोल रहे हैं कि आफ्टर वन वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद, तो एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली क्या पड़ेगा, थर्सडे ही पड़ेगा, यानी कि प्लस 7 डेज. ये 7 दिन का अंतर है जो आपको कवर करना है. तो अगर आज मान लेते हैं, अब हम इसको अगर डेट वाइज भी चेक करें, मान लेते हैं कि आज की डेट है 12, मीन्स मान लेते हैं आज डेट है 12, तो आज से एक हफ्ते बाद क्या तारीख पड़ेगी, एक हफ्ते बाद हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस प्लस 7 कर देंगे, दैट इज 19th. तो 19 तारीख होगी अगले एक हफ्ते बाद. तो एक हफ्ते का मतलब ये होता है कि आफ्टर वन वीक द डे डज नॉट चेंज. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीक. तो हम जो भी चीज सीखेंगे आज इस वीडियो में वो हम वीक ओरिएंटेड सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको वीक की अच्छी नॉलेज है, अगर आपको वीक पे ग्रिप है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन उसे बहुत जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन. अगर हम बात करते हैं वीक की, तो जैसे अगर आज थर्सडे है या फिर मंडे है, तो एक वीक के बाद जैसे एग्जैक्टली एक वीक बीतेगा तो उस दिन भी थर्सडे ही पड़ेगा. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट की वीक. इसीलिए देखिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे 365 दिन इनको मैंने चेंज कर दिया 52 हफ्ते और एक दिन में. तो 52 हफ्ते ये बात में दिखा रहे हैं कि अगर हम एक साल के बाद की बात करें तो 52 हफ्तों में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन एक दिन मतलब कि एक दिन हम आगे पीछे करना पड़ेगा. इस तरह लीप ईयर में फिर से अपने पास कितने हैं, 52 वीक्स है, इनका कोई रोल नहीं है. सिर्फ ये जो दो दिन है ये बताएंगे कि हमें दो दिन आगे बढ़ना है. सो नाउ लेट मी टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो क्वेश्चन इस पे आते हैं इस टॉपिक पे कैसे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ On 21st मार्च 1997 इट इज मान लेते मंडे है, हमने बोला कि 21 मार्च 1997 को मंडे है, देन हमारा जो क्वेश्चन वो ये है 21st मार्च 1998 को क्या पड़ेगा. अब देखिए जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए. इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग. ये यहाँ पे डेट पहले कंपेयर करेंगे, 21 मार्च सेम तारीख है, खाली साल का अंतर है, एक साल बाद की बात हो रही है. यानी अगर हम एक साल बाद की बात करें तो हमारे पास 52 वीक्स आ रहा है जिसका कोई रोल नहीं होता, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता,
लेकिन एक एडिशनल दिन आ रहा है कि एक दिन आगे बढ़ जाएंगे हम, तो मंडे के एक दिन बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो आई होप यू आर गेटिंग द मेथड एंड द पॉइंट। तो एक दिन बाद क्या पड़ेगा, ट्यूसडे। तो आपको किसी भी तारीख का दिन अगर पता है और बोला जाए कि आपको इतने दिनों बाद का एक दिन निकालना है, तारीख निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन कि इफ ऑन 21 मार्च 1997 हमारा दिन पड़ रहा मंडे, तो 21 मार्च 1998 कौन सा दिन पड़ेगा, इट विल बी ट्यूजडे, क्योंकि एक साल बाद सिर्फ एक दिन की शिफ्टिंग होती है। 52 हफ्ते मतलब कोई चेंज नहीं दिन में, लेकिन एक दिन जो एडिशनल है इसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल इसी में कंटिन्यूशन में। अब हम बात करते हैं 21 मार्च 1996। अब 21 मार्च 1996 ये हमारे पास लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी क्या होता है, मे बी कवर करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। लीप ईयर का जो मतलब होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फरवरी पे हमारे पास एडिशनल दिन है, तो दैट मीन्स वी हैव 2 डेज एक्स्ट्रा इन फरवरी, 29 डेज का होता है। और इस साल में क्या होता है कि 2 दिन की शिफ्टिंग होती है। तो अगर मैं 97 से 96 की तरफ बढ़ूंगा, तो जब मैं 97 से, देखिए आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट हियर कि वी आर हैविंग मार्च 1997, मार्च 97 से हमें मार्च 96 की तरफ बढ़ना है रिवर्स में। हमें पता है कि मार्च 97 को ये दिन है, जब हम यहां से रिवर्स बढ़ेंगे कैलेंडर में, उल्टा जा रहे हैं कैलेंडर में, तो जो हमने फरवरी इंक्लूड किया है वो हमने 97 का इंक्लूड किया है। जो मार्च जो सॉरी जो फरवरी लीप ईयर वाला था या 96 वाला, ये इंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक होती है ये होती है, देखिए आपने देखा कि 1997 को 21 तारीख को पड़ रहा मंडे, इसका मतलब है कि एक साल पहले अगर लीप ईयर है तो 2 दिन की शिफ्टिंग करना। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि लीप ईयर में 2 दिन की शिफ्टिंग होती है, तो आपने यहाँ पे आग बंद कर 2 दिन शिफ्टिंग कर दिया, विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग। 2 दिन शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होती है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो फरवरी है, क्या लीप ईयर वाला फरवरी इंक्लूड हुआ है कि नहीं। जब हम 97 से रिवर्स में जा रहे हैं, तो जो फरवरी हमने इंक्लूड किया अपनी काउंटिंग में वो नॉर्मल ईयर का था। इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन की शिफ्टिंग होगी, ओनली 1 डे विल बी शिफ्टेड आइदर प्लस और माइनस। सिंस हम रिवर्स जा रहे हैं तो एक दिन पीछे करना पड़ेगा, तो मंडे से एक दिन पीछे क्या आता है अपने पास, संडे। तो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी संडे एंड नॉट सैटरडे। तो आप में से जिसने भी सैटरडे निकाला है उन्होंने यही मिस्टेक की है, उन्होंने 2 दिन पीछे कर दिया है। अब अगर इसी क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, नाउ लेट मी टेक वन मोर सिंपल एग्जाम्पल कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे है, वॉट विल बी द डे ऑन 21 मार्च 1995, यानी 1995 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन से हमने 3 डिफरेंट पैटर्न सॉल्व कर लिए हैं कि 1997 से एक साल बाद नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन शिफ्टिंग यानी कि एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो मंडे के बाद क्या था, ट्यूसडे। जब हम एक साल पीछे गए, देखा लीप ईयर था लेकिन यहाँ पे फरवरी लीप ईयर का जुड़ा नहीं था, क्योंकि रिवर्स जाने पे मार्च के पहले क्या था, फरवरी 1997 का, जो कि लीप ईयर नहीं है, ये इंक्लूड नहीं हुआ था 96 वाला, इसलिए हम यहाँ पे एक ही दिन की शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन अब जब मैं 95 पे जा रहा हूँ, तो जब मैं 96 से यानी कि मार्च 96 से मैं पीछे बढ़ूंगा और मार्च 1995 की तरफ बढ़ूंगा, तो अब ये वाला फरवरी इंक्लूड होगा, यानी कि लीप ईयर वाला फरवरी इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि 2 दिन पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, दैट मीन्स वी हैव टू शिफ्ट 2 डेज बिहाइंड। तो अगर 1996 को 21 मार्च 1996 को पड़ रहा संडे, तो 21 मार्च 1995 में जब हम जाएंगे तो 21 मार्च से पहले आएगा फरवरी, और फरवरी कौन सा, लीप ईयर, यानी 2 दिन की शिफ्टिंग। तो संडे से 2 दिन पहले क्या आता है, फ्राइडे, तो वी विल हैव फ्राइडे हेयर। तो देखिए क्वेश्चन कैसा भी है, अगर आपको वीक की अच्छी नॉलेज है, इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द नॉलेज ऑफ वीक, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन विद लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड इफेक्टिवली गेट द रिजल्ट। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं और उसमें फिर से हम वीक का रोल देखते हैं। अब मान लीजिए आपको बोला है कि किसी भी महीने की, क्वेश्चन में ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल कि किसी भी महीने की फर्स्ट तारीख को, यानी फर्स्ट डेट को हमारे पास पड़ रहा है मंडे, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 27th, कि 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ईयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे दिन का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम वही वीक अप्रोच यूज करेंगे। देखिए वीक अप्रोच से बेस्ट कोई तरीका नहीं है, इट इज वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी सिंपल। तो हमारे पास 1 तारीख से 27 तारीख है, जब हम काउंटिंग करेंगे तो या तो हम 1 तारीख को इंक्लूड करेंगे तो 27 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 तारीख के बाद की बात हो रही है, तो हम 1 तारीख के बाद निकालेंगे। तो हाउ मेनी डेज का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन डेज पहले वो निकाल लेते हैं,
ये चीजें देखिए आपको कॉपी में इस तरह लिख के नहीं करनी है, ये तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, इन सब चीजों को आपको ओरली करने अपने दिमाग में ही और जल्दी कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंट इन डेज, सॉरी डिफरेंस इन डेज कितना है, 27-1 यानी कि 26 दिनों का अंतर है। तो जैसे आपके पास ये आया इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, वी आर चेंजिंग इनटू वीक, कितने वीक और कितने दिन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव 7 3 21 एंड 5 डेज। तो ये बता रहा है कि ये जो 26 दिन का अंतर है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वीक प्लस 5 डेज एडिशनल जा रहे हैं हम आगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कैसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। हमने बोला गया था किसी भी महीने की पहली तारीख को मंडे पड़ रहा है तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या दिन पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इनके बीच का जो डिफरेंस है दिनों का वो निकाल लिया, इन्हें 27 माइनस 1 किया तो 26 आया, 26 को मैंने 7 से डिवाइड किया ताकि वो वीक और दिन में चेंज आए, क्योंकि आप पूरी काउंटिंग कर सकते नहीं है। और ये जो सारा स्टेप जो मैंने यहां से यहां तक किया है, मोस्ट ऑफ दिस स्टेप यू कैन डू डायरेक्टली इन योर हेड, आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं। देखिए 27 माइनस 1 कितना, 27 माइनस 1 कितना, 26, 26 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 21 माइनस 26 यानी कि आगे पास 5 दिन एडिशनल आएगा। आप एक वीक में आप चाहें तो 5 दिन आगे बढ़ सकते हैं या तो फिर आप 2 दिन पीछे पड़ सकते हैं, बात बराबर पड़ेगी। तो ये 7 दिन का हफ्ता होता है, तो आप अगर 5 दिन आगे जा रहे हैं, दिस इज सिंपल साइक्लिक अप्रोच, अगर आप 5 दिन आगे जा रहे हैं तो उससे अच्छा है आप 2 दिन पीछे आ जाइए ना, बिकॉज जो इनका सम होना चाहिए, इन दोनों सम मिलकर 7 बनना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मिस 5 डेज अहेड, इतनी लंबी काउंटिंग क्यों करेंगे, आपके मंडे बाद 5 दिन आप जोड़ेंगे, उसके लिए भी आप अपनी उंगली यूज करेंगे, हाँ भाई मंडे बाद 1 2 3 4 5 ये आ रहा है तो ट्यूजडे बढ़ने से अगर काउंटिंग करेंगे, डोंट डू दैट। आपको पता है कि 5 बड़ा नंबर है तो 5 में ऐसा क्या जोड़ते हैं जो वापस हमारा 7 बन जाए, 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि हमें 2 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से 2 दिन पहले क्या था अपने पास, सैटरडे, तो द आंसर हेयर इज गोइंग टू बी सैटरडे। आप चाहे 5 दिन जोड़ के भी देख लीजिए, आपके पास आंसर सैटरडे ही आएगा। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पहले मेथड एकदम क्लियर होना चाहिए, और मेथड के साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्विंग का आपका अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आपको मेथड आता है, देखिए जितने लोग भी एग्जाम देने आएंगे ऑलमोस्ट सबको बेसिक नॉलेज तो होगी सब्जेक्ट की, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे। ऑल्सो जब क्वेश्चन छूटने लगते हैं, टाइम वेस्ट होने लगता है तो हम नर्वस हो जाते हैं एंड वी आर टेंडिंग टू डू मोर मिस्टेक। तो बेसिकली जो अप्रोच है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आप उसको स्ट्रांग करिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब देखिए मुझे पता था +5, तो मैंने +5 ला करके सीधे -2 कर दिया 2 दिन पहले सैटरडे, तो देखिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया एंड इफेक्टिवली सॉल्व हो गया। सो नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलेंडर, दैट इज डे ऑन अ गिवन डेट। आइए देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डे ऑन अ गिवन डेट, यानी किसी भी तारीख पे कौन सा दिन पड़ रहा है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं और इनको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो डे ऑन अ गिवन डेट यानी DD, इसका जो फॉर्मूला है वो पहले फॉर्मूला दे रहा हूं मैं। डे ऑन अ गिवन डेट इज गिवन बाई डेट यानी D प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पे डी क्या है, डी शो कर रहा है अपना डेट, MC शो करता है हमारा मंथ कोड कि किसी महीने का क्या कोड चल रहा है हम वो यूज करना है, Y शो करता है हमारा ईयर कि कौन सा साल है, LYC हमारा शो करता है लीप ईयर कोड, एंड देन वी हैव गॉट CC यानी कि सेंचुरी, किसी भी शताब्दी का जो कोड है वो। तो नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद दिस लेट अस अंडरस्टैंड लीप ईयर एंड सेंचुरी। हमें लीप ईयर और सेंचुरी बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लीप सेंचुरी क्या होती है, लीप ईयर क्या होता है, इनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन विल स्विच बैक टू अवर फॉर्मूला। तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस लीप ईयर। देखिए लीप ईयर हमें समझा दिया था मैंने कि लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जो अपने पास लीप ईयर होता है, लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 डेज, जिसमें कि हमारा फरवरी होता है 29 डेज का। लीप ईयर पहचानते कैसे हैं, लीप ईयर हम ऐसे जानते हैं कि लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4, यानी जो भी साल जो भी ईयर हमारे दिया है अगर वो ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तभी वो हमारा लीप ईयर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी, अगर हम बात करें हिंदी में तो सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी यानी कि 100। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, ये मीनिंग होती है सेंचुरी की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी होती है हमारे पास 400 साल की, दिस इज फॉर 400 ईयर्स।
लीप सेंचुरी 400 साल में एक बार आती है, एंड इसको पहचाने कैसे कि जो भी साल है, जो भी हमारे पास में शताब्दी दी है, दैट ईयर दैट इज दैट सेंचुरी मस्ट बी डिविजिबल बाय फोर हंड्रेड, ये जरूरी है। देखिए लीप ईयर का ख्याल खास बात होता है कि लीप ईयर यानी कि जिस लीप ईयर में फरवरी में हमारा 29 डेज होते हैं, वो हमारा चार से डिवाइड होना चाहिए, वो साल हमारा चार से डिवाइड होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था 1996, तो 96 चार से डिवाइड होता है यानी कि लीप ईयर है। लेकिन अगर बात करें 1997 की, तो चार से डिवाइड नहीं, तो ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है। जब हम बात करेंगे लीप सेंचुरी की, तो लीप सेंचुरी 400 साल में एक बार आता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसके फरवरी में 29 डेज होते हैं, बाकी जो बीच में आते हैं जैसे 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, उनके फरवरी में 29 डेज नहीं होते हैं। तो वी हैव टू नो दिस थिंग, बिकॉज कई लोग ये चीज पता नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये चार से डिवाइड हो रहा है साल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ईयर 1900, 1900 हमारे पास देखिए क्या शताब्दी है, ये शताब्दी हमारे पास चार से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये लीप सेंचुरी नहीं है। लीप सेंचुरी होने के लिए उसे 400 से डिवाइड होना है, ना कि चार से। यहाँ पे ये रूल चेंज होता है, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम किसी भी ईयर को चेक करने के लिए उसे 4 से डिवाइड कर चेक करते हैं। ये 4 से डिवाइड हो रहा है नो डाउट, लेकिन ये लीप सेंचुरी नहीं है, क्योंकि शताब्दियों का रूल अलग होता है। शताब्दी को हमेशा 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, बात करते हैं 2000 की, 2000 हमारा 400 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2000 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शताब्दी यानी कि लीप ईयर ही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस कम बैक टू अवर फॉर्मूला, दैट इज डे ऑन ए गिवन डेट, यानी किसी भी गिवन तारीख पे कौन सा दिन पड़ रहा है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट मी राइट ऑन द कोट्स नाउ एंड एक्सप्लेन यू द होल थिंग। नाउ लेट अस सी द कोट्स, जो कोट्स देखिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ सारे। पहला मैं निकाला था मंथ कोट, मंथ कोट दो के लिए निकाला, नॉर्मल ईयर के लिए और लीप ईयर के लिए। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन सबके कोड दे रखे हैं 1440 2503 6146। लीप ईयर के लिए भी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर दीज टू, यहाँ पे जीरो यानी कि एक कम, यहाँ पे थ्री यानी कि एक कम। तो जब लीप ईयर की बात करेंगे सारे कोड सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में बस एक एक माइनस कर दीजिए तो 03 यानी कि लीप ईयर कोड निकलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डे कोड। देखिए जो कोड्स हैं इन्हें प्लीज आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए जगह पे, तभी आपको सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा और ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। इट्स नॉट वेरी टफ टू मेमोराइज, आप उसको ऐसे याद कर लीजिए नंबर के फॉर्मेट में कि 1440 253 एंड 6146, जैसे अगर नंबर फॉर्मेट में याद कर लिया ज्यादा इजी पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डे कोड, यानी कि हर एक दिन के लिए अलग कोड, संडे से लेकर सैटरडे तक का है 1 2 3 4 5 6, लास्ट में जीरो। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 के जो रिमाइंडर्स होते हैं वो 0 से लेकर 6 तक होते हैं, ना कि 7 खुद। अगला अपने पास था फॉर्मूले में लीप ईयर कोड यानी कि LYC, लीप ईयर कोड यानी कि LYC जो हमने देखा था। तो LYC के लिए हमें क्या होता है कि जो भी साल है, जो भी ईयर हमको दिया हुआ है, उसको बस 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका LYC बन जाता है। वंस अगेन, जो भी हमें साल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको 4 से डिवाइड करिए और 4 से डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन हमारा लीप ईयर का कोड हो जाता है। अगला होता है सेंचुरी कोड। शताब्दी कोड निकालने के लिए होता है कि जो भी शताब्दी हमें दी हुई है, वॉट एवर इज द सेंचुरी गिवन टू अस, उसको हम क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास यही आएंगे 0 100 200 300, तो इनके जो कोड है वो है 6421, इनके कोड फिक्स है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है ईयर 2016, तो ये सेंचुरी कौन सी हुई, ये सेंचुरी जो बीत चुकी है, जो चल रही है उसी बात नहीं करते, तो सेंचुरी 2000। तो जब मैं 2000 को 400 से डिवाइड करूंगा तो 400 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो 0 के लिए मैं यहाँ चेक करूंगा 0 रिमाइंडर, इसका कोड क्या होगा 6 और उसको यूज कर लूंगा। इसी तरह अगर मुझे अगला दिया हो 1993 तो उसको यूज करेंगे। तो लेट मी टेक वन एग्जांपल फर्स्ट नाउ कि कैसे हम किसी भी तारीख पे वो दिन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपने पास आज की डेट क्या है, इट इज 2 जून 2018। तो जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, डे ऑन गिवन डेट इज गिवन बाई, फॉर्मूला था डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड, 5 वेरिएबल है डिवाइड बाय 7। डेट आज की डेट कितनी है 2,
एज सच पुट कर दिया यहाँ पे। वंस अगेन आज की डेट यानी तारीख कितनी है, दो, यहाँ पे टू पुट कर देंगे। नेक्स्ट महीना, महीने यानी जून का कोड, जो जून का कोड आपको देखिए यहाँ टेबल में देखना पड़ेगा, जून कोड कितना है यहाँ पे, फाइव, लीप ईयर और उससे कोई मतलब नहीं है, फाइव फिक्स होता है उसका, तो यहाँ पे अपने पास जो कोड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फाइव, तो टू प्लस फाइव। अब ईयर कौन सा है, देखिए ईयर 2018 नहीं होता, ये गलत होता है, हमेशा ध्यान रखिए ईयर सिर्फ लास्ट की दो डिजिट होते हैं, तो ईयर कितना अपने पास 18, तो यहाँ पे आएगा प्लस 18। अगला हमें निकालना है एल वाई सी यानी लीप ईयर कोड। लीप ईयर कोड ये कहता है कि जो भी साल है उसको फोर से डिवाइड कर दिए, और क्वेश्चन तो साल क्या है 18, तो 18 को मैं फोर से डिवाइड करूंगा, तो फोर फोर जो 16, रिमाइंडर आया टू, तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अपने पास फोर, तो वही फोर यहां लिख दूंगा मैं। वंस अगेन जो भी हमारे पास ईयर यहाँ पे आता है उस ईयर को बस को आपको फोर से डिवाइड करना है, और फोर से डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है सेंचुरी कोड, हमारे पास कौन सा साल में से कौन सी शताब्दी चल रही है, सॉरी कौन सी सेंचुरी है ये, 2000, जो चल रही है हम उसकी बात नहीं करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ठीक है ये 21वीं शताब्दी चल रही है, हम बात करेंगे उसकी जो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 2000 हमारे पास कंप्लीटेड है। तो 2000 अगर हमारे पास कंप्लीट है, तो देखिए 2000 के लिए मैंने यहाँ पे शो भी किया था कि 2000 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया जीरो, तो जीरो करस्पॉन्डिंग कोड कितना है, सिक्स, तो बस यहाँ पे हम सिक्स प्लेस कर देंगे और फिर को जोड़ के डिवाइड बाय सेवन करेंगे, तो लेट मी जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट, ये हो गया 10, ये हो गया 20, 20, 30, 35, 35 डिवाइड बाय सेवन, हमारे पास देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी लेट मी जस्ट राइट ऑन द होल थिंग फर्स्ट, 35 डिवाइड बाय सेवन, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है जीरो। वेन वी आर सॉल्विंग दिस 37 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमें पता है कि डे कोड के हिसाब से अगर जीरो आ रहा है तो आज का दिन क्या होना चाहिए, सैटरडे, दैट मीन्स टूडे इज सैटरडे, यू कैन गो थ्रू योर कैलेंडर, सॉरी आज का दिन क्या होना चाहिए सैटरडे, सो यू कैन गो थ्रू योर कैलेंडर, यू कैन गो थ्रू योर मोबाइल, यू कैन क्रॉस चेक फॉर द फॉलोइंग डेट, आज का दिन सैटरडे ही है। तो लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस, मैंने कैसे सॉल्व किया। वंस अगेन ये फॉर्मूला है जिसमें पहला टर्म क्या, डेट, तो आज की तारीख क्या है, दो, वो पुट कर देंगे। अगला मंथ कोड, जून का मंथ कोड क्या होता है, पांच, वो पुट कर देंगे। ईयर क्या है, 2018 नहीं, सिर्फ 18 लेते हैं लास्ट के दो डिजिट। फिर अगला है लीप ईयर कोड, लीप ईयर कोड के लिए जो भी साल यानी कि 18, उसको चार से डिवाइड करिए, चार से डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आता उसको आप प्लेस कर देंगे। अगला है शताब्दी कोड यानी सेंचुरी कोड, तो जो भी सेंचुरी है, यहाँ सेंचुरी कितनी, 2000, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, बाय 400, तो रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये दे रखा है कोड कि इन इन रिमाइंडर के लिए ये कोड है, तो जीरो के लिए कोड क्या था, सिक्स, सिक्स पुट कर दिया मैंने, इसे जोड़ा तो जोड़ने में 35 आया, 35 को जब सेवन से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आया जीरो, तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है उसके करस्पॉन्डिंगली मैंने अपने यहाँ पे डे कोड चेक कर लिया, तो जीरो पे हमारे डे कोड क्या था, सैटरडे, तो हमारे पास आंसर क्या है, सैटरडे, तो आज हमारे है सैटरडे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज अ बेसिक थ्योरी दैट इज रिक्वायर्ड इन कैलेंडर। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ कैलेंडर। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स।